आज हम अपने किचन में लेके आए हैं बहुत ही मजे के सैंडविच और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। आप चाहें तो आप इसे बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच बॉक्स में या टी टाइम में बना सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, यहाँ तो आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में लेके आए हैं बहुत ही मजे के सैंडविच और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। आप चाहें तो आप इसे बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच बॉक्स में या टी टाइम में बना सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, यहाँ तो आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मसाला एग सैंडविच, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे के, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा चीज भी ऐड करेंगे और वो चीजी भी हो जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहेंगे, 6 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं और व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अंडे लिए हैं मैंने बॉयल किए हुए 5 अदद, जिनको मैंने छोटा छोटा कर लिया। 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ली है। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ज़्यादा कम ले सकते हैं। शिमला मिर्च ली है मैंने आधी, बिल्कुल मैंने इसको छोटा छोटा सा काट लिया। 1 टमाटर लिया है, बीज निकाल के छिलके के साथ मैंने इसे छोटा छोटा काट लिया। 2 अदद हरी मिर्ची ली हैं, हरी मिर्ची अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, नहीं पसंद ज़्यादा मिर्चें तो ना लें। पेपरिका पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो पेपरिका पाउडर डाल दें, अगर नहीं है तो लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। जीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, अगर अदरक पाउडर है तो डाल दें, अगर वरना फ्रेश अदरक भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर लिया मैंने 1/4 टीस्पून। तो ये हो गया मसाला अंडे का, तो अब हम रेडी करते हैं। फ्लेम ऑन करके हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। और अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई, मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, मिक्स करेंगे फ्लेम मीडियम रखें आप, और टमाटर, मसाला इसका रेडी कर लेंगे हम। और अब इसमें डालेंगे नमक, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक पाउडर, मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें कि मसाला हमारा जले ना, थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखें मसाला इसका रेडी हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए अंडे। मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, अंडे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और सैंडविच पे लगाएंगे। तो अब हम लेंगे 1 ब्रेड का स्लाइस और इस पे हम लगाएंगे, ये है ग्रीन चिली सॉस, 1/2 ये लगाएंगे और 1/2 हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे, मर्जी आपकी, आप चिली गार्लिक सॉस लगा लें या केचप लगा लें, अगर बच्चों को दे रहे हैं तो केचप लगा सकते हैं, वैसे चिली गार्लिक सॉस का ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसलिए मैं चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मसाला अंडा जो मैंने रेडी किया है, मसाला
और अब हम लगाएंगे ये टमाटर और प्याज मैंने रखे हुए थे, मर्जी आपकी, लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाएं, ऐसे भी आप खा सकते हैं। और ये थोड़े से प्याज, प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हो गया। और थोड़ी सी हम इसके ऊपर काली मिर्च डाल देंगे टमाटर और प्याज पर, थोड़ी सी। और अब इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे मोज़रेला चीज़, चैटर भी कर सकते हैं और मोज़रेला भी कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला मैं करूँगी। और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर लेंगे ओरिगानो, क्योंकि चीज़ और ओरिगानो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। अब इसके ऊपर हम ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, उससे पहले हम इसके ऊपर सॉस लगा लेंगे, जो है ग्रीन चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस। और अब इसे हम कवर कर देंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो इसको हम साइड पे करते हैं और इसी तरह हम दूसरा रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए ये रेडी है, अभी नहीं हम ग्रिल कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे पैन में भी कर सकते हैं, सैंडविच मेकर में भी कर सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रिल करूंगी। ग्रिल पैन ले लेंगे, इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, बटर से, ऑयल से आप इसे ग्रीस कर सकते हैं, अगर बटर है तो बटर से कर लें। तो ये सारा मैं ग्रीस कर लूँगी, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो ये देखिए ग्रिल हमारी गर्म हो चुकी है, अब ये उठा के हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। और इसको प्रेस करेंगे, जैसे नीचे से ग्रिल हो जाएंगे ना, मतलब नीचे वाली साइड ग्रिल हो जाएगी, तो इसकी साइड चेंज करके इस हिस्से को भी हम ग्रिल कर लेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, तो ये देखिए जबरदस्त सा ग्रिल हो गया, इसकी भी कर लेंगे। नहीं ये नहीं अभी हुआ, इसको हम इधर रखेंगे, इसको भी हीट जाए। तो ये देखें ये हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। इसकी भी साइड चेंज करेंगे, तो ये देखें ये भी हो चुका है जबरदस्त सा ग्रिल। तो अब इसको हम काट लेंगे, तो ये देखिए रखते जाएंगे इसको, इसी तरह हम दूसरा भी कर लेंगे। तो अब इसको हम रखते जाएंगे, और ये देखिए सैंडविच के ऊपर सैंडविच, और ये स्टिक लगा देंगे। ये मैंने दूसरे भी बना कर रखे हुए थे, इसको भी रख देंगे। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी मसाला एग सैंडविच। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं, टी टाइम में, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के मसाला एग सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।